हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में गियर सिलेक्टर कैसे चेंज करते और क्यों चेंज कर रहे इसके बारे में देखने वाले हैं। लास्ट एंड तक जरूर देखना और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दिखाते हैं। ये पूरा गियर सिलेक्टर है। जब हम मैनुअल गियर में डालते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो गियर शिफ्टिंग नहीं होता है। देख सकते प्लस करेंगे तो प्लस में गियर शिफ्ट नहीं हो रहा है और माइनस करेंगे गियर माइनस हो रहा है। मतलब इसका बटन जो है काम नहीं कर रहा है गियर लेवर का। तो ये बटन सिंगल नहीं आता है, ये पूरा सेट ही आता है, इसलिए हम गियर लेवर है वो चेंज कर रहे हैं। चेंज करने के लिए क्या क्या खोलना पड़ता है वो दिखाने वाला हूं। चाबी ऑफ करके पहले हाइबरनेट करना है, इसको दो बार दबा के रखना है, जो डिस्प्ले का जो पी है वो हट जाएगा। फिर इसको स्क्रू डाउन से खोलना है, एक कवर दिख रहे हो इस एक कवर को खोलना है। खोलने के बाद यहाँ पर दो स्क्रू है, 8 के बोल्ट लगेंगे, ये खोलना है। दोनों स्क्रू को बाहर लेना है। स्क्रू खोलने के बाद गियर लीवर को उठाएंगे ऊपर। उठाने के बाद यहां पर एक कनेक्टर रहता है वो खोलना है। गियर लीवर का जो कनेक्टर है खोलना है। कनेक्टर खुल गया, गियर लीवर रिप्लेस करेंगे, दूसरा डाल देंगे। ये इसका गियर लीवर है, ये पुराना वाला बहुत ही यूनिक है। ये नया गियर लीवर है, इसको भी फिट करेंगे। पहले कनेक्टर लगाना है। लॉक हो गया, अभी गियर लीवर को फिट कर देंगे। एक चुप दिया, गियर लीवर बैठ गया है। अभी इसके स्क्रू डालेंगे, स्क्रू डाल के इसको टाइट कर देंगे। स्क्रू फिट हो चुके हैं, अभी इसका कवर लगाएंगे, साइड कवर। अभी गाड़ी स्टार्ट करके चेक कर लेंगे गियर प्लस होता है क्या नहीं मैनुअल में डाल के। गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, अभी गियर शिफ्ट करके देखेंगे। अभी मैनुअल में हो गया कि यहाँ पर देख सकते हो मैनुअल में डाल दिए, अभी प्लस होता है कि नहीं, ये बढ़ता है कि नहीं गियर चेक करते हैं।
प्लस बटन दबाएंगे, यहाँ पर देख सकते हो गियर प्लस हो रहा है, मतलब इसका गियर लेवल खराब था। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना।